हेलो एवरीवन, आज मैं समोसा रोल बना के दिखाऊंगी और ये यूनिक भी है और दिखने में बिल्कुल नए तरीके से समोसा रोल है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं कि कैसे बनाया जाता है। समोसा रोल बनाने के लिए यहाँ मैं एक बॉल ली हूँ और इसमें 220 ग्राम मैदे हैं, और इसमें क्वार्टर टी स्पून अजवाइन जिसको मैं क्रश कर दी हूँ, आधा चम्मच नमक और एक बड़ी चम्मच घी। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करें। और इसका हम एक सॉफ्ट डोट तैयार करेंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा बना है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो आप लाइक कर दें और पहली बार तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये देखिए डो तैयार है, तो इसको हम कवर कर देंगे। आप चाहे तो कोई ढक्कन से भी कवर कर सकते हैं। और इस डो को मैं 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ देखिए एक कप में इतनी पानी बच गई है। अब यहाँ मैं 3 उबले हुए आलू ली हूँ, इसको मैशर के द्वारा हम मैश कर देंगे। अब इसमें 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 छोटा प्याज है जिसे मैं ग्रेट कर ली हूँ जिससे बाइंडिंग करने में सही रहेगी, थोड़े से धनिया के पत्ते हैं, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 टीस्पून साल्ट। अब इन सभी को हम मिक्स करेंगे। अब 10 से 15 मिनट हो गए हैं, तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम यूं ही गोल कर देंगे और इसको हम एक फ्लैट सरफेस पे बेल देंगे। तो बेलने से पहले इसमें हम थोड़ा सा मैदे को डस्ट करेंगे और इसे बिल्कुल गोल शेप में बेल लें। अब इसको हम दूसरी तरफ भी बेल देंगे और इसे हम थोड़ा सा फिर से डस्ट करेंगे मैदे। अब इसे हम पिज़्ज़ा कटर के द्वारा कट कर लेंगे। जैसे आप पिज़्ज़ा कट करते हैं सेम वैसे ही इसे कट करना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। अब यहाँ जो मैंने आलू के स्टफिंग बनाई है उससे हम इसे डालेंगे चारों तरफ। और यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच मैदा और 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। अब दोनों को मिक्स करेंगे और इस घोल को हम इसके ऊपर डालेंगे और रोल बनाएंगे। तो इसे आप रोल करें बिल्कुल हाथों से गोल गोल, और ये देखिए बन गया एक समोसा। इसी तरह बाकी के हम सारे समोसे बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। अब इसको हम चलते हैं फ्राई करने। फ्राई करने के लिए मैं ऑयल पहले से गरम कर दी हूँ और इस जो मैंने घोल बनाया था मैदे से उसको हम दोनों तरफ से कवर करेंगे और फ्राई करेंगे। तो एक एक करके सारे समोसे हम डाल देंगे।
और इसको मैं अब दूसरी ओर पलट रही हूँ। इसे हम बिल्कुल पहले लो पे फ्राई करेंगे, फिर अब मीडियम पे फ्राई करें और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल समोसा तैयार है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। आप इस समोसे को ज़रूर बनाएं और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल नए तरीके के समोसे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसा बना है। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।